तो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम के बीच आईपीएल का बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। और दोस्तों उनका यह फैसला काफी अच्छा भी साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों पहले ओवर में ही मैट हेनरी ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था और रहाणे केवल एक रन बनाकर आउट हो गए थे। और इस मैच में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और उनके बल्ले से एक बाद एक बेहतरीन चौके निकलते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ रॉयल मिचेल इस मैच में पूरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे थे और 50 रन के स्कोर पर यश ठाकुर ने रॉयल मिचेल को आउट कर दिया था और रॉयल मिचेल 11 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां उनके आठ रन के बाद जडेजा उतरे थे। और दोस्तों जडेजा ने इस मुकाबले में काफी बेकार बल्लेबाजी करी, जहां वो इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी गेंदे खाली कर रहे थे, लेकिन एक तरफ इस मैच में ऋतुराज का बल्ला गरज रहा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच 101 रन के स्कोर पर मशीन खान ने जडेजा को आउट कर दिया और दोस्तों जडेजा केवल 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने शिवम दुबे उतरे थे और दोस्तों शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ इसके बाद इस मैच में पूरी तरह लखनऊ के गेंदबाजों को धो के रख दिया, जहां इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने कमल की बल्लेबाजी करते हुए 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था। तो इसके बाद शिवम दुबे ने 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज आज के मैच में पूरी तरह धमाकेदार बैटिंग कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और चेन्नई का स्कोर भी 200 रन के पार पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद आखिरी ओवर में 2 रन चुराने के चक्कर में शिवम दुबे 27 गेंदों में 7 छक्के और 3 चौके की मदद से 66 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो इसके बाद बल्लेबाजी करने महेंद्र सिंह धोनी उतरे थे और दोस्तों धोनी ने इस मुकाबले में केवल एक बॉल खेली और उस गेंद पर चौका जड़ दिया और इसी तरह चेन्नई ने पूरा 20 ओवर खेलने के बाद 4 विकेट के नुकसान पर पूरे 210 रन बनाए, जहां इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ 60 गेंदों में 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो इस मैच में लखनऊ की तरफ से मैट हेनरी, मोहसिन खान और यश ठाकुर को एक एक विकेट हाथ लगी थी और दोस्तों अब लखनऊ को ये मैच जीतने के लिए 211 रन बनाने थे। और जब इसके बाद लखनऊ की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि दोस्तों पहले ओवर में ही दीपक चहर ने डिकक को क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, जहां इसके बाद बैटिंग करने स्ट्रेनिस उतरे थे। इसके बाद केएल राहुल और स्टोइनिस ने इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी, लेकिन 23 रन के स्कोर पर केएल राहुल 16 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहीम की गेंद का शिकार बन बैठे। लेकिन दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पाटिकल उतरे थे और पाटिकल इस मैच में बेहद ही खराब बल्लेबाजी कर रहे थे और पूरी तरह एक बाद एक कई सारे गेंदे खाली करते जा रहे थे, जिसलिए इस मैच में लखनऊ की टीम पूरी तरह टूटती जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ स्टोइनिस इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने इसके बाद केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन दूसरी तरफ 88 रन के स्कोर पर पथिराना ने पाटिकल को क्लीन बोल मार दिया था और दोस्तों पाटिकल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे, जहां इसके बाद स्टोइनिस का साथ देने पूरा उतरे थे, क्योंकि दोस्तों इस मुकाबले को पूरी तरह चेन्नई की टीम अपने नाम कर लिया था, क्योंकि दोस्तों आखिरी 48 गेंदों में 113 रन बनाने थे। अब यहां से लखनऊ को जीतना था तो फिर स्टोइनिस और निकोलस पुरन को कमाल की बल्लेबाजी करनी थी और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से एकदम वैसे ही बल्लेबाजी करी जैसा कि लखनऊ को जरूरत थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक छक्के चौके मारी और दोस्तों 34 गेंदों में 70 रनों के बेहतरीन पारी खेली, 70 रन के बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाले थे इन दोनों ने। लेकिन इससे बीच 158 रन के स्कोर पर माथिसा पथिराना ने निकोलस पुरम को आउट कर दिया और दोस्तों पुरम ने इस मैच में 15 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जहां इसके बाद सारी उम्मीदें मार्कस स्टोइनिस पर टिकी थी। तो उनका साथ देने डिकक उतरे थे और दोस्तों इसके बाद स्टोइनिस ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 56 गेंदों में अपना शतक पूरा कर डाला था और दोस्तों ये पारी काफी लाजवाब थी, क्योंकि दोस्तों ये एक तरफ इस मैच में लखनऊ का अगर जीतना था तो किसी बल्लेबाज को बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना था और स्टोइनिस ने वैसा ही प्रदर्शन करा और वही दूसरी तरफ दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में आते ही शानदार छक्का जड़ दिया था और इसी वजह से आखिरी दो ओवर में लखनऊ को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 32 रन बनाने थे। और दोस्तों इसके बाद तो पूरी तरह कमाल हो गया इस मैच में, क्योंकि दीपक हुड्डा ने भी इस मैच में तूफानी पारी खेलते हुए 19वें ओवर में 15 रन बन गए थे और आखिरी ओवर में पूरी तरह इस मैच को जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और ये मुकाबला काफी धमाकेदार हो चुका था। मुस्तफिजर रहमान की आखिरी ओवर में स्टोइनिस ने पहली गेंद पर ही शानदार छक्का लगाया, तो अगली गेंद पर चौका लगाया और तीसरी गेंद में भी वो शानदार चौका जड़ दिया और दोस्तों वो गेंद 9 बॉल हो गए और दोस्तों ये मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 4 बॉल में 4 गेंदों में केवल 2 रन चाहिए थे और दोस्तों तीसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका लगाकर इस मैच में लखनऊ को पूरी तरह 6 विकेट से जितवा दिया और दोस्तों लखनऊ की टीम यह मुकाबला 3 गेंद पहले जीती है। स्टोइनिस ने 6 छक्के और 13 चौकों की मदद से 124 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए, तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे थे।
और दोस्तों लखनऊ को बड़ी जीत दिलवा दी। और दोस्तों इस मैच में दीपक हुड्डा ने भी 6 गेंदों में 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। और दोस्तों स्टोइनिस को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।